पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट मुरादाबाद के तत्वावधान में 5 दिवसीय अष्टम श्री बाबा नीम करौली स्मृति उत्सव के तीसरे दिन काशी से पधारे हुए डॉक्टर आचार्य घनश्याम त्रिपाठी और उनके सहयोगी आचार्य के द्वारा रुद्राभिषेक करने के पश्चात पंचकुंडीय हवन में आहूतियों का शुभारंभ किया गया। काशी से पधारे हुए डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी के द्वारा बताया गया कि इस पंच दिवसीय यज्ञ में तीसरे दिन 45,360 आहूतियां दी गई है, जिसमें योगाचार्य के द्वारा विश्व की शांति के लिए विशेष आहूतियां प्रदान की गई और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि विश्व में सबका कल्याण हो और हमारा देश सर्व संपन्न देश के साथ साथ विश्व गुरु भी बने। इसके बाद शाम के समय में गायक पंडित राजकुमार गोस्वामी के द्वारा माता की चौकी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सर्वप्रथम आचार्य अमित शर्मा के द्वारा ज्योता वाली माता का आह्वान कर माता की ज्योत प्रज्वलित की गई। गणेश वंदना के साथ माता की चौकी का शुभारंभ किया गया। सभी ने अपनी प्रस्तुतियां पेश करने के लिए चंदौसी से पधारे हुए मशहूर कलाकार विनीत सांवरिया और करण पंजाबी आर्ट ग्रुप बुलंदशहर के द्वारा माता की भेंटे प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी के साथ साथ और भी भजनों का गुणगान किया गया। सुनिए भगवान श्री कृष्ण भैया भैया को मारेगा भैया भैया को मारेगा भैया भैया को मारेगा ना पितृ ना पुत्र पिता की कदर करे भैया भैया को मारेगा और अर्जुन पत्नी का पति गुलाम बने उस कलयुग में पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मैया को मारेगा बेटा मैया को मारेगा बेटा मैया को मारेगा ओ इस पापी कलयुग में अर्जुन इस पापी कलयुग रब से भरा अब कलयुग आने वाला है। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम का जो 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है उसमें आज दूसरा दिवसीय कार्यक्रम चला, आज तीसरा दिवसीय कार्यक्रम है। दूसरे दिवसीय पूर्व जो तीसरा दिवसीय आज कार्यक्रम है। तीसरे दिवस में सुबह पंचांग पूजन, फिर उसके बाद पंचांग पूजन के बाद यज्ञ किया गया। यज्ञ में आज 41,000 आहुति दी गई। उस पश्चात भंडारा का आयोजन दोपहर को रखा गया, जो भी भक्त थे यहाँ पर उन सब लोगों का भोजन भंडारा किया जाता है। महाआरती के बाद शाम को माता की चौकी आज रखी गई है, उसमें कार्यक्रम चल रहा है। माता की चौकी राजकुमार गोस्वामी एंड पार्टी द्वारा की गई है। उसके बाद सुंदर सुंदर झांकियां की गई हैं। तत्पश्चात महाआरती करके अगला कार्यक्रम कल को 27 को जो हमारा होगा वो भी पंचांग पूजन और यज्ञ किया जाएगा। शाम को बाबा खाटू श्याम जी का यहाँ भजन कीर्तन भव्य दरबार लगेगा, उसमें सब आप आमंत्रित हैं। 28 तारीख को जो कार्यक्रम है वो आपको सब पता ही पूरा होने के बाद भंडारा महा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।